जय हिंद। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। बोईगुड़ा नाय ब्राह्मण संघम नीचे मंत्री गार की मदत తెలుపుతూ మరియు నాయ బ్రాహ్మణ సంఘం నుంచి మద్దతు తెలుపుతూ వారందరూ ఈరోజు మన మనోహర్ గారి ఆధ్వర్యంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీలో చేస్తున్నారు కాబట్టి మనోహర్ గారు మీరు పైకి రండి. పేర్లు వీలు సార్ రామచందర్ మీరు అందరూ ఒక్కొక్కరు వచ్చారు. భాస్కర్ గారు चलो फहीम भाई बिस्मिल्लाह अपने को हिंदी में हिंदी में बोलिए. अस्सलाम वालेकुम. हमारे सनत नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में BRS के उम्मीदवार जनाब श्रीनिवास यादव साहब की जो इलेक्शन कैंपेन चल रही है और बेहतरीन अंदाज में और सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में हर जगह उन्होंने डेवलपमेंट करे जिसकी वजह से हर कोई घरों से निकल के सामने आके मिल रहे हैं और उन्होंने खुद ही वादा कर रहे हैं कि हम ये बार आपको काफ़ी भारी अक्सर से जिताएंगे और घर का हर एक एक फर्द भी 30 नवंबर के दिन वोट डालेंगे. इसीलिए क्योंकि जितने संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने डेवलपमेंट हुए कोई सिटी के उसमें नहीं हुए होंगे लेकिन यहाँ पर तो काफ़ी हुए हैं और हो सकता है कि नंबर वन तेलंगाना में हाइएस्ट मेजॉरिटी श्रीनिवास यादव साहब लाएंगे और हमारी उम्मीद है और इसी वजह से हम लोग जो है सो कैंपेन भी कर रहे हैं और उन्होंने जो अखिलियतों के लिए जो प्रोग्राम बनाए KCR साहब वो पूरे सक्सेसफुल जा रहे हैं और यहाँ तक के जैसे अपने शादी मुबारक रहने दो माइनॉरिटी लोन से होने दो और हमने को आगे चल के जो रोज़मर्रा के गैस सिलेंडर्स है वो अगर जीत जाने के बाद गवर्नमेंट सब्सिडी बर्दाश्त करते हुए 400 रुपये में सिलेंडर देंगे क्योंकि कांग्रेस वालों के ऊपर कोई भरोसा नहीं. कर्नाटक में वो जीते लेकिन वहाँ पर अमल नहीं कर सक रहे. राजस्थान में अमल नहीं कर सके कहीं नहीं अमल कर सक रहे लेकिन KCR साहब एक ऐसे CM है जो वादा करते हैं वो कंप्लीट करते हैं. इसीलिए हम पूरी उम्मीद है कि ये बार TRS जो है सो लास्ट टाइम से ज़्यादा सीटों से जीतेंगी और मैं तमाम अखिलियतों से गुजारिश करता हूँ कि कांग्रेस के और दूसरे पार्टियों के धोखे में ना आए और सिर्फ BRS को वोट डालें. थैंक यू. కృష్ణ సతీష్ సదానంద్ రమేష్ రాజు ఇద్దరు మనలు అందరూ అండి. కొద్దిగా మీరు ఇంకా జరుగురి. జై తెలంగాణ. అన్నా మీరు రాలరా ఇక్కడ. జై తెలంగాణ. मुंगड़ वायरल.